हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केतन श्याह अहमदाबाद गुजरात से। आज कुछ अलग बैकग्राउंड दिखता है ना, ये चिल्ड्रन प्ले एरिया है। क्यों ये बैकग्राउंड मैंने सिलेक्ट किया है, क्योंकि मैं आज बात करने जा रहा हूँ, मेडिसिन का नाम है कैल्करिया कारो, लेकिन ये इसमें बच्चों में कौन से इंडिकेशन पे हम प्रिस्क्राइब करते हैं, बच्चों में कैल्करिया कार हम कैसे देखते हैं वो मैं बताऊंगा इस वीडियो में। मैं उसके सोर्स के बारे में बताऊंगा, उसके मेंटल सिम्टम और फिजिकल जनरल, और लास्ट में उसके डोज के बारे में मैं बात करूंगा। तो शुरू करते हैं कैल्करिया कार्ब इंडिकेशन इन चिल्ड्रन। उसका सोर्स है ऑयस्टर। ऑयस्टर ये दरियाई जीव है और कई लोग उसको खाने में भी यूज करते हैं, और उसके मिडल लेयर में से, उसके सेल में से कैल्करिया कार्ब बनती है। और ये एक ऐसा जीव है, दरियाई जीव, जो एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में, मतलब इनसाइड द सेल, एक सेफ्टी के रूप में, जहाँ सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, वहाँ वो रहना चाहता है। तो उसके आसपास कवर्ड होता है और ये पत्थर को चिपक के रहता है, ज़्यादा मूव नहीं करता है। तो ये ऑयस्टर के लिए बात हुई। और वो जब आप सेल में देखोगे तो ऑयस्टर एक सॉफ्ट होता है, उसका कोई शेप नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि यही बात को हम होम्योपैथिक में कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो जिस तरह से ये जीव है, दरियाई जीव, वो एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहना चाहता है, ऐसी ही तरह कैल्करिया कार्ब बेबी है, वो भी एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहना चाहता है, उसको सिक्योरिटी चाहिए और वो कुछ रिस्क लेना नहीं चाहता है, उसको अटैच रहता है, डिजायर टू लिव इन ए प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, जहां उसको प्रोटेक्शन मिलेगा वहीं वो रहना चाहेगा। और बच्चों के लिए प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट क्या होता है, उसके पेरेंट्स। तो आप ये इसमें देख सकते हो कि बच्चे जो है अपने पेरेंट्स को चिपक के रहेंगे, उनको अटैच रहेंगे, और ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिनको, जिससे उनको तकलीफ पहुंचे, दुख पहुंचे, दर्द पहुंचे। कैसे बच्चे होते हैं, कंस्टिट्यूशन कैसे बच्चे होते हैं कैल्करिया कार्ब दिखने में, तो जो बच्चा थोड़ा ओबेज हो, मोटा हो, और उसके गाल पकड़ के आपको खींचने का मन हो, तो समझना कि वो कैल्करिया कार्ब बेबी है। तो फैट है, मतलब ओबेज है, फेयर है दिखने में, और थोड़ा फ्लैबी भी है, और उसको सिर में पसीना ज़्यादा होता है, उसको ठंड बहुत जल्दी लग जाती है, और वो दिखने में कैसा, उसका सिर थोड़ा बड़ा दिखेगा, पेट बड़ा दिखेगा। तो इस तरह से ये कैल्करिया कार्ब बेबी इस तरह से दिखता है। ये जो स्लाइड है, बहुत कुछ आपको बताया जा रही है कि एक काउच पे एक मोटा सा लड़का लेटा है, वीडियो गेम खेल रहा है, उसके आसपास में कुछ खाना भी पड़ा है। तो देखो, अभी तो एक काउच में आ जाता है, मतलब समा जाता है, कुछ समय के बाद वो काउच के बाहर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बस उसका काम क्या है, बैठा रहो, खाओ और ऐश करो जीवन को। तो ये कुछ खाने के भी शौकीन है और उनको एक्टिविटी करना पसंद नहीं है, दिखने में ओबेज लगेंगे लेकिन उनमें एनर्जी नहीं है। मेंटल एनर्जी देखो या फिजिकल एनर्जी देखो, ओवरवेट होते हैं और लगे कि हेल्दी है लेकिन वो हेल्दी नहीं है। आप उनके मसल्स देखो, वो मसल्स नहीं है, वहां फैट जमा हुई होती है। अब माइंड कैसा, बच्चों के किस तरह के बच्चे होते हैं कैल्करिया का, तो बहुत ओबीडियंट होते हैं, मान जाते हैं, आप बोलो तो ज्यादा अपोज नहीं करते हैं, ज्यादा गुस्सा नहीं करते हैं, लेकिन साथ में स्लो है, बहुत स्लो है। अगर वो स्कूल में भी परफॉर्म स्लोली करेंगे, कोई गेम खेलना होगा तो भी बहुत स्लोली खेलेंगे, कोई काम करना है तो ऐसे आराम से करेगा, लेजीनेस उसको आप बोल सकते हो। और मैथमेटिक्स में वीक है, उसके कोई एम्बिशंस नहीं है, कोई गोल नहीं है, होती है चलती है, चल ले दो। और वो लोग मेंटली स्लो है, इसलिए ज्यादा एक साथ ज्यादा चीजें नहीं कर सकते हैं, आराम से एक चीज करेंगे फिर दूसरी चीज करेंगे, उस तरह से उनका रहता है। और थोड़ा भी मेंटल
एग्जर्शंस होगा, थोड़ा भी मेंटली वो यूज करेंगे और थक जाएंगे। कंफ्यूजन बहुत होता है कैलकरे कार पेशेंट में कि उनको कुछ एक्सप्रेस करना है, कुछ बताना है तो उनमें उनको तकलीफ होती है। और ऐसे बच्चे की जो बस बैठा रहना चाहता है, दूसरे बच्चे खेलेंगे तो बोले नहीं नहीं आप खेलो, मैं बैठा हूँ, मैं स्कोर लिखूंगा, मैं एम्पायरिंग करूंगा, लेकिन उसको दौड़ना भागना पसंद नहीं होता है। और ये बच्चे बहुत टिमिड होते हैं, इसलिए तो उनको डर लगता है, इसलिए तो वो अपने पेरेंट्स को चिपक के रहते हैं। जब तक उनको आसपास में पेरेंट्स दिखेंगे दे आर हैप्पी, बट जैसे ही उनको पेरेंट्स नहीं दिखेंगे या थोड़ा अकेलापन फील होगा तो उनको डर लग जाएगा। और खास करके रात को वो अंधेरे में नहीं जाएंगे, तो पेरेंट्स उनको आसपास में सिक्योरिटी चाहिए और बच्चा रात को सोएगा। लेकिन कई बार पेरेंट्स फोर्स करते हैं कि नहीं अब आप बड़े हो गए हो, दूसरे रूम में सोने का रखो, तो सोएंगे लेकिन रात को चिल्ला के बैठ जाएंगे और उनको सपने आते हैं डरावने, हॉरिबल ड्रीम्स आते हैं, और वो दौड़ भाग के अपने पेरेंट्स के पास आ जाएंगे। तो ऐसा स्टेमोनियम में भी होता है। ये बच्चे जो होते हैं वो क्रुएल्टीज नहीं देख सकते, मारामारी नहीं देख सकते, कहीं पर भी थोड़ा भी ऐसा लगे कि माहौल गर्म है तो उनको बर्दाश्त नहीं होता है। कोई क्रुएल्टी की बातें भी करे ना, सिर्फ या तो टीवी में देखे या मूवी में देखे, तो वो आंख बंद कर देंगे, चैनल चेंज कर देंगे, लेकिन उनसे ये सब देखा नहीं जाता है। और थोड़ा भी कोई उनसे जोर से बोले तो भी उनसे सहन नहीं होता है। कैसे फियर्स बहुत होते हैं कैलकरे कार पेशेंट में, तो ऐसा लगता है कि कुछ हो जाएगा, ऐसा फियर रहता है। डार्कनेस का हमने डिस्कस किया, उस तरह का डर है। एनिमल्स का उनको डर है, बहुत ऊंची जगह का डर है। और कंटेजियस डिजीज, मतलब उनको कोई बीमारी लग जाएगी। मैंने कोरोना में बहुत ये पेशेंट देखे हैं कि जिनको बच्चों में भी वो न्यूज सुन सुन के वो डर गए हो, या तो लोगों की बातें सुनकर इतने डर गए हो कि आप बोलोगे तो भी मास्क नहीं उतारेंगे कि हाँ मुझे कोरोना हो जाएगा, और लोग उनको ऑब्जर्व करेंगे, उन पर लाफ करेंगे। और बच्चों में मैंने देखा है कि जब वैक्सीन दिलाने ले जाते हैं या डॉक्टर का क्लिनिक देखते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर का नहीं, ऐसे ही कोई क्लिनिक देखते हैं, तो उनको इंजेक्शन का डर बहुत रहता है। और ये बच्चे बहुत सेंसिटिव है। किस चीज से सेंसिटिव? कि अगर आप थोड़ा भी उनको आंख दिखाओगे तो वो डर जाएंगे, थोड़ा आप गुस्सा करोगे, थोड़े आप रूड बिहेव करोगे तो उनको बहुत लग जाएगा। हो सकता है कि वो रिएक्ट नहीं करे तो, लेकिन उनको अंदर से बहुत डर लग जाता है। और कोई स्कूल में भी मैंने छोटे बच्चों में देखा है कि जो टीचर सॉफ्ट है उनके पास ही ये बच्चे बैठना चाहते हैं। अगर उनका क्लास भी चेंज हो गया, स्टैंडर्ड फर्स्ट से स्टैंडर्ड टू में गए हैं, लेकिन अगर वो कंफर्टेबल हो गए हैं दूसरे पहले वाले टीचर से जो सॉफ्ट है, कभी उन्होंने डराया नहीं है, जोर से बोला नहीं है, तो वो कंफर्टेबल होता है, तो वो सिक्योरिटी छोड़ना नहीं चाहते है। बच्चे वो जीत करते हैं कि नहीं मुझे वही टीचर के पास क्लास में बैठना है। तो इस तरह के ये सेंसिटिव है, खास करके रूडनेस से, रिप्रोच से, गुस्से से लोगों से बहुत सेंसिटिव होते हैं। ये सब माइंड की बात थी। अब हम फिजिकल जनरल पे आ जाते हैं। यूजुअली क्या होता है कि हमें कॉन्स्टिपेशन होता है तो हम टेंशन में आ जाते हैं, अरे आज स्टूल पास नहीं हुआ है, मुझे भूख नहीं लग रही, गैस हो रहा है, मेरा पेट फूल गया है, इस तरह से हमें कंप्लेन दिखती है जब कॉन्स्टिपेशन होते हैं। लेकिन कैलकरिया कार में ऐसा है कि कॉन्स्टिपेशन होता है तो भी बच्चा आराम से, उसको कंफर्टेबल फील होता है, उसके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। मैं कैलकर का प्रिस्क्राइब करने से पहले ये ऑब्जर्व करता हूँ, ये कंफर्म करता हूँ कि क्या बच्चे को क्या खाने की आदत है। तो कई बार बोलते हैं कि उसको चौक है, पेन है, मिट्टी है, या दीवार पर से वो जो लेयर है कलर का वो उठा के उनको खाने की आदत है, तो क्रेव्स फॉर इनडाइजेस्टेबल थिंग्स। और उनको मीट पसंद नहीं है लेकिन आइसक्रीम के शौकीन है। और खास करके ये एग्स मैंने बहुत देखा है कि कोई भी फॉर्म में उनको एग्स खाना अच्छा लगता है। और उनका हेड बड़ा होता है लेकिन पसीना भी बहुत होता है उनको, वो तकिए पे सोएंगे तो उनका तकिया गीला हो जाएगा, इतना पसीना हो जाता है। थोड़ा भी मेहनत करेंगे वो
तो पसीना हो जाएगा, पसीना सिर में भी होगा, पूरी बॉडी पे भी हो सकता है, और हमें पता चलता है कि उनके बॉडी में से एक फाउल स्मेल आती है, खट्टा पसीना जिसको बोल सकते हैं, और ये कोल्डनेस है, उनके पैरों में ऐसा फील होता है कि ठंडा ठंडा लग रहा है, जैसे कुछ ठंडे उन्होंने कुछ पहन लिया हो, और इसलिए पैरों में उनको ठंडा फील होता है। और क्या कौन से फिजिकल इंडिकेशन हम मैं ये सोच सकते हैं? तो कैल्केरिया पेशेंट ज़्यादातर, सारी कैल्केरिया ग्रुप की मेडिसिन दांत और बोन के डिजीज में बहुत यूज होती है। जब दांत आते हैं तो हम कैल्केरिया कार, कैल्केरिया फोस, कैल्केरिया फ्लोर, ये सारी मेडिसिन यूज करते हैं। जब फ्रैक्चर होता है, बोन वीक है, या बोन वीक की वजह से बच्चा चलना नहीं सीखता है, तब हम कैल्केरिया कार्ब की ग्रुप की मेडिसिन यूज कर सकते हैं। हाइड्रोसेफेलस मतलब सिर में पानी भर जाना, जॉइंट्स वीक हो जाना, बोन के प्रॉब्लम्स और ग्लैंड्स के अफेक्शन, जो ग्लैंड्स होती है लिम्फ ग्लैंड, उसके प्रॉब्लम में, इवन रेनल स्टोन में, या बताए वैसे तरह से दांत के प्रॉब्लम और दांत के सड़ा लग जाए, इस तरह से बहुत सारे इसमें फिजिकल सिम्टम्स में कैल्केरिया कार्ब यूज होती है। रिकेट्स जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है, उसमें भी, या तो हम बच्चों के बर्थ के बाद देखते हैं कि उनकी तलिए में वो जो लाइन थी वो सॉफ्ट था, वो हार्ड हुआ कि नहीं, तो जिसको ये सॉफ्टनेस लंबे समय तक रहती है, उसमें भी कैल्केरिया कार्ब आप यूज कर सकते हो। ये बच्चे को ठंड ज़्यादा लगती है, लेकिन थोड़े श्रम करेंगे, थोड़ा भी एक्सर्शन करेंगे तो उनको पसीना आ जाता है, और रात को पसीना होता है, और रात में क्या करते हैं कि वैसे कवर करेंगे, लेकिन उनको बेड में अपने पैर है, तलिए है, उसको खुला छोड़ने की आदत होती है। मैं बच्चों के टॉन्सिल में बहुत टॉन्सिल एडेनोइड्स इस तरह के जो ग्रोथ है, उसमें मैं कैल्केरिया ग्रुप की मेडिसिन बहुत अच्छे से यूज़ करता हूँ, और टॉन्सिल की वजह से यहाँ की जो ग्लैंड है उनकी, उसमें भी स्वेलिंग आ जाता है, और साथ में हमें देखना है कि बच्चे को ठंड जल्दी लग जाती है, पसीना होता है, बच्चा ओबेज होता है, टॉन्सिल की प्रॉब्लम होता है, नाक बंद हो जाता है एडेनोइड्स की वजह से, ये सारे में कैल्केरिया का बहुत अच्छे से यूज़ होता है। तो ये सारी बातें थी कैल्केरिया की। अब जो कोल्ड वेदर होता है, ठंडी हवा होती है, डैम्प वेदर होता है, ठंडे पानी से नहाने से, या तो सुबह के टाइम में फुल मून के वक्त दांत आते हैं, तब मिल्क की वजह से, ये सारी चीज़ों से कैल्केरिया कार्ब की तकलीफें बढ़ती है। और कैसे उसको आराम मिलता है कि जिस साइड अगर उनको कहीं पेन होता है तो वो साइड पर सोने से अच्छा लगता है, अगर बहुत ठंडा एटमोसफियर नहीं है, ड्राई वेदर है, उनमें वो अच्छा फील करते हैं। ज़्यादातर मैं ये मेडिसिन मेंटल्स और फिजिकल जनरल्स को कंबाइन करके प्रिस्क्राइब करता हूँ, तो 200 और 1 mg पोटेंसी में मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ, ज़्यादा फ्रिक्वेंट रिपीटेशन नहीं करता हूँ। अगर एक बार एक डोज दे दिया तो फिर मैं वेट करता हूँ, कई बार जब दांत आने के अगर प्रॉब्लम हो तब 30 में भी कई बार रिपीट करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर 200 या 1 mg पोटेंसी में ये मेडिसिन मैं यूज़ करता हूँ, और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ डॉक्टर प्रीति को, जिसने पूरा कंटेंट और पूरी स्लाइड उसने ही तैयार की है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, जहाँ कैल्केरिया कार्ब सबके लिए, मतलब एडल्ट्स, बच्चों, कहीं कैसे भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। Thank you very much.